क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिशन एंड मिसेस मिसेस रिएक्शन। रिएक्शन। मैं हूँ मैं हूँ काजल। दीपक। तो आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे, वो भी इस करेक्टर की तरह जो कि हम करेक्टर देखने वाले हैं गाजी का। एक्चुअली बहुत बंदे बोलते हैं इसमें रिएक्शन दो रिएक्शन दो, मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ बट एक्चुअली मेरे को स्टोरी नहीं पता तो मैं मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। तो मैं पहले इनकी किसी ने बताया वीडियो बनाई है आखिर क्या खास है इस ड्रामे में कि दुनिया इसके पीछे पागल है। तो मैं पहले वीडियो पे रिएक्शन दूंगा कि क्या खास है, मैं जानूंगा, फिर उसके बाद इसकी इनकी जो सीरीज है उस पर पक्का मैं रिएक्शन दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें, जाने की क्या है एक्चुअल में क्या चीज़ है। करें बिल्कुल। इंडियन मुस्लिम हमने दिया भी है इनके दो तीन वीडियो पे है रिएक्शन, जो वो मारकाट वाली होती है। हाँ, याद है जो मैं हमेशा बोलती थी गेम ऑफ थ्रोन्स। मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अर्थगरल बस एक ड्रामा नहीं, ये एक तिलिस्म है जो जहनों को जकड़ लेता है। अर्थगरल गाजी इस्लाम का वो शानदार सिपाही था जिसने सलीबियों और मंगोलों की नींदें हराम कर डाली थी, और आज के यहूदी और सलीबी इस ड्रामे से कितना बौखलाए हुए हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ड्रामे को तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब कहा है। वो कहते हैं कि तैयब अर्दगान इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों को वरगला रहा है, मगर हकीकत यह है कि अर्थगरल ड्रामे ने आज मुसलमानों को जगा दिया है। अर्थगरल गाजी जैसे जाबाज सिपाही को देखकर आज का मुसलमान अपने सुनहरे माजी को देख पा रहा है। कौन था ये अर्थगरल गाजी, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल मामला शुरू होता है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के कई मुल्कों को फतह कर रही थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहां भी जाते खून की नदियां बहा देते थे, ना बच्चों बूढ़ों का लिहाज ना औरतों को छोड़ते थे, हर जगह तबाही फैलाना इनका मकसद था। जब ये मंगोल ख्वारिज्म के इलाके तक पहुंचे तो यहां एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर वहां से भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के चार बेटे थे, तीसरे नंबर का बेटा था अर्तगल गाजी, और ये ड्रामा या सीरीज इसी जाबाज हस्ती पर बना है। सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इनको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तगरल गाजी के हत्थे चढ़ गए। अर्तगरल ने शहजादी हलीमा और उसके बाप और भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलेर हीरो अर्तगरल गाजी की। इस घटना के बाद काई कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्थगरल गाजी ने बड़ी दिलेरी से हर परेशानी को दूर कर डाला। अर्थगरल गाजी का दिलेरी वाला काम था ईसाइयों के उस किले को फतह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार होती थी। इन ईसाइयों को उस वक्त नाइट टेम्पलर्स कहा जाता था। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिश रच रहे थे, मगर अर्थगरल गाजी की बहादुरी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्थगरल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्थगरल की दिलेरी और बहादुरी का डंका बजने लगा। यहाँ से अर्थगरल नाम का एक ऐसा तूफान उठा कि दुश्मनाने इस्लाम इस तूफान में उड़ते चले गए। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के जरिए मुसलमानों की बुजदली और एहसास कमतरी को खत्म किया जा रहा है, इन्हें अपनी तहजीब पर फख्र करना सिखाया जा रहा है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में तर्जुमे के साथ साया किया जा चुका है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। टेलीमोशन पर आपको पहला सीजन उर्दू में मिल जाएगा जिसके 75 एपिसोड है। बाकी अब पाकिस्तान के PTV ने सिरे से इस ड्रामे की उर्दू डबिंग शुरू कर दी है, YouTube पर आपको मिल जाएगी। एक बार दरियाए फरात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्थगरल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि अर्थगरल गाजी जैसा जहीन बहादुर निडर इंसान कबीले में और कोई न था। अर्थगरल की सरदारी में काई कबीले ने तुर्की के अनातोलिया की तरफ रुख किया। अर्थगरल के दो भाई इससे अलग हो गए, जबकि अर्थगरल अपने छोटे भाई के साथ सफर पर निकल पड़ा। बीच सफर में अर्थगरल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमजोर और जंग हारने की कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्थगरल ने हारती हुई सेना का साथ दिया। ये जंग थी सल्जू के सल्तनत और मंगोलों के बीच।
मगर ये बात अर्तुगरुल को नहीं पता थी। मंगोलों की फौज अलाउद्दीन की सल्जूकी फौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूकी फौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाशें मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोराई अंकारा के करीब जागीर अदा कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनाने इस्लाम इनकी जहानत के साथ बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहते थे। मुसलमानों की सल्जूकी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फौज, दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूकी सल्तनत पीछे चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत खत्म हो जाती, मगर जिस दिन अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत परवान चढ़ने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपनी निडर सिपाह सालारी से रोमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। इस वक्त कोई ऐसा बादशाह न था जो अर्तुगरुल गाजी से टक्कर ले सके, और एक वक्त ऐसा आया जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। यह वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत को सल्तनते उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह जहीन, बहादुर और निडर था। 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल ने वफात पाई। उसके बाद सन 1299 ईस्वी में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ दीनदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज्यादा थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्र-ए-आज़मों में सल्तनती उस्मानिया का परचम लहरा गया। उस वक्त सल्तनती उस्मानिया में 40 देश आते थे और ये सल्तनत 1923 तक जमी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर 600 साल बाद फिर ये सल्तनती उस्मानिया बुराइयों और कमजोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से खत्म कर दिया गया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ कुछ देश बर्तानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि थे, और दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश थे। मगर फिर तुर्की का उस वक्त का जो सुल्तान था वयुद्दीन, उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बर्तानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर एक समझौता किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमसे बचाना चाहते हो तो हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी, और वो शर्तें थी ये 100 साल का समझौता जिसे कहते हैं समझौता लोजान। इस समझौते की शर्तें थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा दे, इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, और सबसे बड़ी और घातक शर्त तो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही जमीन से तेल पेट्रोल नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ेगा, और तुर्की की बंदरगाह बॉस्फोरस पर भी पाबंदी लगा दी गई जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी कोई टैक्स नहीं ले पाएगा। मानो तुर्की को बांध कर 100 साल के लिए किसी कोने में फेंक दिया गया हो। अमेरिका ने अपने एक गुलाम मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता खत्म होने वाला है, और जब ये समझौता खत्म होगा तब तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इसराइल जैसे देशों की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अन्याय के चलते एक बार फिर सेक्युलर तुर्की को इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है, और इसी वजह से आज अमेरिका, इसराइल जैसे देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता, अब मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता। अर्तुगरुल गाजी जैसी शख्सियत तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है।
हर मुसलमान को चाहिए कि अपने आप को दीन इस्लाम के हवाले कर दे और अर्थगरल गाजी जैसा बनने की ठान ले। यकीनन आज की जालिम दुनिया चमकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही है, मगर अब मुसलमानों को इन साजिशों को नाकाम करना होगा, वरना पीटते रहोगे और मिटा दिए जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अब जाके मुझे समझ आया कि अर्थगरल गाजी कौन था और क्या करेक्टर था और उस्मान कौन था। मतलब इतने टाइम से दो तीन वीडियो बनाई, समझ नहीं, स्टोरी नहीं समझ आती थी कि क्या है एक्चुअल में। अब पता लगा कि एक्चुअल में क्या स्टोरी है, रियल स्टोरी है, ज़बरदस्त स्टोरी है, जो भी है मतलब ज़बरदस्त स्टोरी है। जो भी उन्होंने किया अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किया, हर कोई करेगा यार ये काम तो अब देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा वो करेक्टर को और उस एक्शन को जो उन्होंने किया और जिस तरीके से वो रहे, क्यों। और बाकी तारीफ तो मैं कर चुका हूँ क्योंकि जिसने भी वो वीडियो या जिसने भी वो वेब सीरीज है, जिसने भी वो सीरीज़ को डायरेक्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके डायरेक्ट किया, जो हीरो लिए हैं और जो भी अर्थगरल गाजी का जिसने रोल किया वो भी ज़बरदस्त लगता नहीं है, लगता कि वही था एक्चुअल, वही था। मैं तो कमेंट करके बता भी रहा था कि डायरेक्टर उनका फॉरनर ही है। अच्छा, तो मेरे को जहाँ तक लगता है बताओगे। बाकी मेरे को वीडियो ज़बरदस्त लगी, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। और अब इनकी हम उस पर भी रिएक्शन देना शुरू करेंगे, तो आप बताओ कि कैसे करना है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और गुड नाइट।